देश की हर इंच जमीन एक तीर्थ स्थान जैसी है। ये जमीन पवित्र है और इसकी हर हाल में हिफाजत की जानी चाहिए। चाहे वो 20,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री की ठंड वाला बर्फीला रेगिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे इस जमीन पर घास का तिनका भी ना उगता हो, क्योंकि अगर यहां भारतीय सेना के जाबाज नहीं होंगे तो यहां दुश्मन का कब्जा होगा जो हर वक्त ताक में बैठा है। जी न्यूज आपको देशभक्ति से भरे सफर पर लेकर चलेगा। ये यात्रा अपने आप में चार धामों की यात्रा से कम नहीं है। हमारी शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके लेह से। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। इस देश में अगर कोई सबसे मुश्किल सफर हो सकता है तो वो है सियाचिन का सफर, क्योंकि सियाचिन हर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। सियाचिन के सफर की शुरुआत करने के लिए हम लेह में एयरफोर्स के बेस कैंप पहुंचे। सियाचिन में मौसम सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए आम इंसान का उस मौसम से मुकाबला करना आसान नहीं होता, और यही वजह थी कि हमें सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्पेशल जैकेट दिया गया, और यही जैकेट हमें ठंड से बचा सकता था। इस वक्त मैं लेह के एयरफोर्स बेस पर हूं। यहां से हम हेलीकॉप्टर के जरिए सियाचिन जाएंगे। करीब 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन सियाचिन को हमने क्यों चुना? सियाचिन को हमने इस बार इसलिए चुना क्योंकि हम चाहते थे कि पूरा देश देखे कि हमारे जवान किन मुश्किल हालात में सियाचिन में रहकर, इतनी एडवर्स कंडीशंस में रहकर, इतने मुश्किल हालात में कैसे देश की रक्षा करते हैं। आपको उनके जीवन को करीब से देखने का मौका मिले। सियाचिन को वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कहा जाता है और शायद सबसे खतरनाक बैटल ग्राउंड भी। हम उस जगह को करीब से महसूस करना चाहते थे जहां देश के वीर सपूतों को एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए हमें सबसे पहले सियाचिन में बेस कैंप पहुंचना था। तो अब हम लेह एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं। पहले हमें चीता हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी थी, लेकिन फिलहाल अभी हम Mi-17 हेलीकॉप्टर में हैं, और इस हेलीकॉप्टर में भी अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम सियाचिन में पहुंचेंगे तो वहां पर हाइट की वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि मानव हो या मशीन, सबकी क्षमता वहाँ पर जाकर बहुत घट जाती है। ये ऑक्सीजन मास्क है, और बीच बीच में इस मास्क को लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती है जब ऑक्सीजन की कमी यहाँ महसूस होने लगती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद देश के वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं, तो देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी वीर गाथा पूरे देश तक, आप तक जरूर पहुंचाएं। लेह से उड़ान भरकर हमारा अगला स्टॉपेज सियाचिन का बेस कैंप था। यहां से हमें सियाचिन ग्लेशियर का सफर तय करना था, लेकिन जैसे ही हम इस बेस कैंप में उतरे, देश के वीर जवानों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। इन वीर सैनिकों ने हमें यह कहकर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया कि वो भी आपकी ही तरह हर रोज DNA देखते हैं, और वो भी जी न्यूज के फैन है। हम लोग की तो पहले हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरे नहीं यार, कमाल कर रहे हो। कम इतने घरों में कल आप DNA पे नहीं आए थे। हाँ, कल मैं यहाँ था ना, इसलिए नहीं आया। रोहित सरगना साहब आए। हाँ, ओके। चार बार
मौसम चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ये सैनिक देश की रखवाली भी उसी देश हित के साथ, उसी शिद्दत के साथ करते हैं, जिस शिद्दत के साथ ये हर रोज रात को 9 बजे जी न्यूज पर डीएनए देखते हैं। यानी 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमारे दर्शक मौजूद हैं और ये बहुत फख्र की बात है। लेकिन सियाचिन से कठिन रिपोर्टिंग का हमारा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारे पास आपके लिए कई और बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं। चलो हम भी अपना कर लेते हैं अभी। Then I'll catch you later. Okay. जहां आम इंसान के रहने की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, उस जगह को सियाचिन कहते हैं। और यहीं से शुरू होती है अदम्य साहस की वो कहानी जिसे हिंदुस्तान का सैनिक ही जी सकता है। सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे मौसम के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार किया जाता है। और यहां पहुंचने के लिए हमें भी कई खास तैयारियां करनी पड़ी क्योंकि ये शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल जगह है। अब हम सियाचिन के बेस कैंप में हैं। सियाचिन जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कहा जाता है। सियाचिन में ज़्यादा लोग नहीं आ पाते। कहा जाता है कि सियाचिन में या तो आपका जिगरी दोस्त आएगा आपसे मिलने के लिए या फिर आपका कट्टर दुश्मन आएगा। हालात यहाँ पर बहुत मुश्किल हैं। जिंदा रहना अपने आप में एक चुनौती है और यहाँ आने के लिए हमने भी काफ़ी तैयारी की। मैंने खुद एक फिटनेस रिजीम को यहाँ पर फॉलो किया क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, सांस लेने में भी यहाँ पर दिक्कत होती है। छोटे से छोटा सामान भी, यानी आप ये समझिए कि सुई भी यहाँ हेलीकॉप्टर से लाई जाती है। हमारे देश में जो लोग बुरहान वानी को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे देश में जो लोग अफजल गुरु की मौत पर आंसू बहाते हैं और हमारे देश में जो लोग कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते हैं, हम चाहेंगे कि उन्हें एक चुनौती दी जाए। हम चाहेंगे वो लोग इस जगह पर आकर कुछ वक्त बिताएं, तब उन्हें पता चलेगा कि देश की रक्षा के लिए कितने लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अपने घर बार छोड़कर इस दुर्गम जगह पर बैठे हुए हैं। कभी आपने सोचा है कि इसका नाम सियाचिन क्यों है? सिया का मतलब होता है गुलाब और चिन का मतलब है घाटी, यानी गुलाबों की घाटी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आसपास नज़र डालेंगे और यहाँ के हालात को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमारे देश के सैनिकों के लिए इस गुलाब के कांटे बहुत चुभने वाले हैं। और ये कांटे ऐसे हैं जो हर वक्त आपको चुभते रहते हैं, कभी बर्फ़ की शक्ल में चुभते हैं, कभी ठंड की शक्ल में चुभते हैं और कभी वातावरण की शक्ल में ये चुभते रहते हैं। और जब आप इन सब से बच जाते हैं तो हो सकता है दुश्मन की गोली आपके शरीर को छू जाए। ये हिंदुस्तान के फौजियों का साहस है कि वो यहाँ पर दिन रात डटे रहते हैं, बर्फ का तूफान हो या फिर कल्पना से परे गिरता हुआ तापमान। इन्हें कोई डिगा नहीं सकता, इन्हें कोई हिला नहीं सकता, मौत भी नहीं। सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। कई बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। और जब हम इस जगह के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे और हमने यहाँ लोगों से बात की, यहाँ रहने वाले फौजियों से बात की, तो ये भी पता चला कि सर्दियों में लगभग 1000 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। और जब यहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं तो बर्फीले तूफान की जो गति होती है वो कई बार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है। 2400 घंटे हड्डियों को गला देने वाली ठंड से मुकाबला करते हुए भारत के जाबाज सैनिक यहां 365 दिन डटे रहते हैं। बर्फ के तूफान में यहां कब, कौन और कैसे दफन हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन तमाम खतरों के बीच देशभक्ति का जज्बा ही यहां रहने वाले सैनिकों को सीमा पर डटे रहने की हिम्मत देता है, हौसला देता है। कहा जाता है कि सियाचिन में भारतीय फौज का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ का मौसम है। यहाँ जिंदगी हर पल किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां बर्फ ही बर्फ नजर आती है।
तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ये वो तापमान है जहां इंसान का जिस्म इतना ठंडा हो जाता है कि उसकी मौत भी हो सकती है। इतनी ठंड कि याददाश्त चली जाए और इंसान खाना पीना छोड़ दे, लेकिन फिर भी हमारे जवान यहां पर डटे रहते हैं। अभी तो हम सियाचिन के बेस कैंप में हैं और यहां पर इतनी बर्फ नहीं है, लेकिन जब आप ग्लेशियर पर जाएंगे यानी यहां से और ऊपर जाएंगे तो बर्फ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ठीक से सूरज निकला हुआ हो और सूरज की किरणें बर्फ़ पर पड़कर आपकी आंखों में आ जाएं तो आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके अलावा जब हवाएं तेज़ चलती हैं, इतनी तेज़ और सर्द हवाएं होती हैं कि अगर कोई सैनिक रात में बाहर निकल आए तो हवा में उड़ रहे बर्फ़ के अंश आपके चेहरे पर ऐसे चुभते हैं जैसे हज़ारों सुइयां आपके त्वचा में चुभ गई हों, गड़ गई हों। जीवन वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम टेंट में रहते हैं, चारों तरफ बर्फ़ है, ऊपर आसमान और नीचे बर्फ, ज़मीन का नामो निशान नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर रहते हैं क्योंकि हमें पोस्ट पे रहना है। रहने में थोड़ी तकलीफ़ है क्योंकि हम टेंट में ही रहते हैं, खाने पीने के भी प्रॉब्लम है, जैसे फ्रेश राशन है वहाँ पर नहीं पहुँचता है, जो हमारे पास जो टेंट है, जो आपके पास पैक्ड लंच आते हैं उस टाइप का है, सब कुछ पैक्ड मिलता है वहाँ पे। जीवन बस ठीक है, होता है, लेकिन हम डटे रहते हैं वहाँ पर। तो दिन भी बहुत लंबा होता होगा और रातें भी? जी हाँ, दिन और रातें दोनों लंबी होती हैं, काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बस हम आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम शेयर करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को काटते हैं। सियाचिन पर कब्जा बनाए रखने के लिए भारत को हर दिन करीब 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फिर भी पिछले 32 सालों से हमारी सेनाएं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में मजबूती के साथ डटी हुई हैं। इसकी वजह है भारत के लिए सियाचिन का रणनीतिक महत्व। करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर देशभक्ति के इस जज्बे को सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी यहाँ पर आया हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार और वो तमाम लोग जो देश के बारे में, यहाँ की रक्षा व्यवस्था के बारे में टिप्पणी करते हैं, जीवन में एक बार सियाचिन तो क्या उसके आसपास भी कभी पहुँचे नहीं। जो जवान यहाँ पर शहीद होते हैं वो आतंकवादियों की गोलियों से नहीं होते, वो दुश्मन फौज की गोलियों से नहीं होते, बल्कि यहाँ के मौसम की वजह से यहाँ के जवानों की जान चली जाती है। और उसकी सबसे बड़ी जो मुख्य वजह है वो होती है हिमस्खलन या ज़्यादा ठंड की वजह से होने वाली बीमारियाँ। कई बार टिश्यू ब्रेक हो जाता है, कई बार उसकी वजह से हार्ट फेल भी हो जाता है। एयर कंडीशनड सेमिनार हॉल्स में बैठ कर या हमारे देश में किसी यूनिवर्सिटी में बैठ कर या किसी लेक्चर के दौरान या अपना आर्टिकल लिखते वक्त सेना पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी क्रिएट करना बहुत आसान होता है, किसी आतंकवादी को हीरो बनाना बहुत आसान होता है। और ये तमाम लोग ऐसे होते हैं जो शायद सियाचिन जैसी जगह पर अपने जीवन काल में एक बार भी नहीं आए होते, उन्होंने यहाँ मौजूद जवानों की ज़िंदगी को कभी भी करीब से देखा नहीं होता। और इसीलिए हम ये सारी बातें उन तमाम लोगों तक आज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग बिना सोचे समझे, बिना स्थितियों को नज़दीक से जाने अपने देश पर ही सवाल उठाने शुरू कर देते हैं, अपनी सेना पर ही सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। आज की जो चुनौती है और आज का जो डीएनए टेस्ट है, ये ऐसे लोगों के लिए एक लेसन होना चाहिए।